संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक कार्यक्रम में पाकिस्तान एक गलती कर बैठा। इस मौके पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही एससीओ के बाकी सदस्य राष्ट्रों के अलग अलग प्रदर्शनियों द्वारा अपनी ऐतिहासिक विरासत का परिचय दे रहे थे। दोनों ही देशों ने मुगल बादशाह शाहजहां को अपनी विरासत का हिस्सा बताया। शाहजहां की विश्वविख्यात स्थापत्य कला को अपनी विरासत का हिस्सा बताने के चक्कर में पाकिस्तान एक बड़ी गलती कर बैठा। पाकिस्तानी दल ने एक प्रदर्शनी के दौरान दिल्ली के लाल किले की एक तस्वीर दिखाई। इस तस्वीर में लाल किले पर भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहा था। पाकिस्तानी दल ने लाल किले की इस तस्वीर को लाहौर के शालीमार गार्डन्स में बने एक किले की फोटो बताया। पाकिस्तान ने न केवल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले को पाकिस्तान स्थित किला बताने की गलती की, बल्कि वह मुगल विरासत पर भी अपना दावा जता रहा था। पाकिस्तान ने कहा कि ये सभी नायाब इमारतें मुगल सभ्यता के समय की हैं। शाहजहां के समय में मुगल सभ्यता अपने चरम पर थी। पाकिस्तान की इस प्रदर्शनी में लाल किले के अंदर स्थित संगमरमर के महलों और सजावटी झीलों का भी जिक्र किया गया था। वहीं भारत ने अपनी प्रदर्शनी में आगरा स्थित लाल किला और ताजमहल को जगह दी। अपने एग्जीबिशन में ताजमहल का परिचय देते हुए भारत ने कहा, यह सफेद संगमरमर से बना विशाल मकबरा है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पसंदीदा बेगम मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था। दरअसल ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ और 1648 में यह बनकर तैयार हुआ। ताजमहल भारत में मुस्लिम स्थापत्य कला की बेहतरीन और नायाब मिसाल है। इसे दुनिया भर में एक नायाब वैश्विक विरासत का दर्जा हासिल है।